Oh, कहाँ से? मैं किस जगह से? ईदगाह संगम। ईदगाह संगम, ईदगाह। आपका नाम? कहाँ रहते हो बता? कुलगाम। कुलगाम किस जगह? ननीबुग। अच्छा, ननीबुग यारीपुरा। जी बिल्कुल। वेरी गुड। आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पता मेरा नाम? आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बड़गाम। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, वेरी गुड, वेरी गुड। योर गुड नेम? वालेकुम अस्सलाम। बड़गाम। बड़गाम, बड़गाम किस जगह पे? वालेकुम अस्सलाम। काजी गोल। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? आ जाओ, आसिम अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद शाह, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, नेपाल। नूरबा। वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है बेटा? नदीम रशीद। वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ पर रहते हो? कहाँ पर रहते हो बेटा? वेरी गुड। वालेकुम सलाम। यासिर अहमद खान फ्रॉम हैकुरा। नदीम रूमी हमजा। आपको अंदर से कलम करना है। चलो, वेरी गुड। वालेकुम सलाम। सारे व्यूअर्स को मेरी प्यार भरा सलाम। और हमारी टीम लाइव विजुअल्स के साथ डिग्री कॉलेज पत्रसू से जुड़ी है, जहाँ पे आज शुरू होने जा रहा है। ये है आज के खास मेहमान मिस्टर तारक के मोहताजी हैं, जो इन लोगों की बात में हर बार पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखे यहाँ पे साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज इन लोगों के लिए दिया है। और यहाँ पे हम लोग के लिए आए हैं और कुछ लम्हों के बाद ही होगा, और उसके बाद हम सीधे प्रसारण लाइव भी आपके साथ जुड़ेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ हम प्रिंसिपल सर है, उनका टाइम देने के लिए पहले तो बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आज इस दिन के हवाले से ब्लाइंड जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आए हैं, उनका आज हम पहला क्रिकेट मैच यहाँ पे है, तो इस पे आपकी राय क्या है और कितना खुश है आप? शुक्र है। आई एम कंसर्न, आई डोंट थिंक दे आर ब्लाइंड। प्लीज टॉक लाउडली। मैं इनको स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स कहता हूँ जी। ये स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स है और कौम के नौजवानों को इनकी तरफ खास ध्यान देना चाहिए जी। ये हमारी एक कौम के मेमार हैं जी। हमें इनको पूरी तरह से मदद करना चाहिए जी। जहाँ भी हमें चाहिए इनको आगे लाना चाहिए जी। ये हमारा काम है जी। मैंने भी इस कॉलेज में, जब मैंने जावेद अहमद टाक साहब की लेटर हमारे कॉलेज में पहुँची, तारिक साहब है मेरे साथ, उनको जब मेरी लेटर पहुँची तो मैंने उसी वक्त उसको यस किया। मैंने कहा कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे ऐसे बच्चे हैं, होनहार बच्चे, जिनको मैं देखना चाहता हूँ, ये आगे आए। और इनको अगर शौक है और इनका शौक हम पूरा करेंगे। क्या आने वाले समय में इन लोगों के लिए किस तरीके के जो प्रोग्राम आने वाले समय में होंगे डिग्री कॉलेज और उसके अगर हम बात करें? मैं चाहता हूँ, ये तो इनका कॉलेज है, मैं चाहता हूँ ये हमेशा जब भी इनको चाहिए तो ये आ सकते हैं और अपना प्रोग्राम यहाँ कर सकते हैं। मैं जावेद साहब को एक रिक्वेस्ट इसका करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि 14 नवंबर है जी, बच्चों का दिन है, पंडित नेहरू का जन्मदिन है जी, उस दिन मैं इनको चाहता हूँ कि ये यहाँ वो प्रोग्राम करें। ये जो इंस्टीट्यूट के हेड है इनसे बात हो रही है, प्रिंसिपल साहब बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के खास मेहमान मिस्टर जावेद अहमद टाक, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जावेद साहब, आज इस दूरदराज इलाके में आए हैं और यहाँ पे जितने भी लोग आज यहाँ पे इस क्रिकेट मैच का बहुत बेसब्री से उनको इंतजार था, क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से? मैं तो पहले उत्तरसू कॉलेज के पूरे स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें पूरे कॉर्डियली हमें यहाँ पे जगह दी और यहाँ पे बच्चों को प्रिंसिपल साहब ने मतलब एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो स्टाफ है वो काजल तो प्रिंसिपल साहब के हेडशिप में ही है। प्रिंसिपल साहब को जब हमने एक ईमेल किया तो तुरंत हमें वापस जवाब मिला कि आप ये मैच खेलें जी। इसमें दो पहलू होते हैं, एक तो यहाँ पर मैच होगा, इन सारे जितने भी हमारे साथी हैं जिनको प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ये स्पेशली एबल्ड क्रिकेटर्स हैं, एक तो इनका टैलेंट बाहर आ जाएगा जी।
दूसरी चीज़ यह है कि जो दूर दादा गांव में लोगों को पता नहीं होता है कि शायद डिसेबिलिटी और क्रिकेट का कोई वास्ता नहीं है, शायद बिनाई वाले सिर्फ क्रिकेट खेल सकते हैं। आज इस क्रिकेट मैच के हवाले से उनमें अवेयरनेस आ जाएगी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैन डू एवरीथिंग। जितने भी यहाँ पे प्रोविजंस है डिसेबिलिटी रिलेटेड, हम शुक्र गुजार हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के और स्टाफ के, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपना टैलेंट सबको दिखाएं और दूर उत्तरा गांव में दिखाएं। एक इलाके में शांगस बेल्ट जो है सबसे अगर देखा जाए पसमांदा बेल्ट है, लेकिन जब हमने आज कॉलेज में नज़र मारी तो प्रिंसिपल साहब ने बहुत मेहनत की है इस कॉलेज को एक, मुझे लगता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक जिम यहाँ पे क्रिएट किया गया है जिसको देखने के लिए सबको आना चाहिए। बहुत ही अच्छी जगह है, अच्छा कॉलेज है, अच्छे